नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ हैदर सेती। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करीब 3 घंटे लगभग पूछताछ की। सोनिया गांधी को फिर से पूछताछ के लिए 25 जुलाई को बुलाया गया है। पूछताछ में सोनिया गांधी से भी लगभग वही सवाल पूछे गए जो ईडी अधिकारियों ने राहुल गांधी से पूछे थे। ईडी ने इसके लिए 50 सवालों की लिस्ट तैयार की थी। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में इसके खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को सिविल लाइन्स के किंग्स कैंप में बैठा दिया और हिरासत में लिया। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी समेत कई कांग्रेस के बड़े नेता इसमें शामिल थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कुछ ही देर बाद ही सभी नेताओं को हिरासत से वापस छोड़ दिया। जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ईडी ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया और इस पूरी कार्रवाई को बदले की भावना से प्रेरित बताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वहीं इस मामले में बीजेपी का कहना है कि ईडी कानून के दायरे में रहकर सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है। कांग्रेस का प्रदर्शन सिर्फ दबाव बनाने के लिए है। इसी बीच सवाल उठते हैं कि सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ कितना सही है? क्या मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है? क्या कांग्रेस को विरोध प्रदर्शन दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है? इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित होगी। और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। जिस प्रकार से देश के अंदर माहौल पैदा कर रही है, जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के नेताओं को परेशान करना चाहती है, उनको ध्यान भटकाना चाहती है, आज देश की जो हालात बने हुए हैं उस पर कोई चर्चा नहीं है। और ईडी के द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को जिस प्रकार बुलाया जा रहा है, न एक पैसे का लेन देन है, न किसी थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज है और कोई ईडी का मामला बनता नहीं है। कोर्ट ने ऑलरेडी उसको स्टे किया हुआ है। उसके बावजूद लगातार मोदी सरकार सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, कांग्रेस के लोगों को परेशान कर रही है। कार्यकर्ता आते हैं, उनको पहुंचने नहीं दिया जाता है, उनको रास्ते के अंदर रोका जाता है। राजस्थान के हजारों लोगों ने आज दिल्ली में आके प्रदर्शन किया। और आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करेंगे, उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवा देते हैं, सुनिए। पूछताछ तो किसी को बढ़ा सकते हैं, कानून सबके लिए बराबर है, पर जो व्यवहार किया जा रहा है जिस रूप में बिना केस के केस बनाया जा रहा है ईडी का, ईडी केस बनता ही नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुई है? सब कागजों के अंदर है, कंपनी बनी हुई है, देख लीजिए आप उसको। ये जानबूझ के जो कर रहे हैं इसको मैं कंडेम करता हूँ। और डेमोक्रेसी में प्रदर्शन धरने आम बात है, ये उसको भी रोक रहे हैं। तबीयत भी खराब है सोनिया गांधी की, कोरोना से स्वस्थ? उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उनके सेक्रीफाइस सबके सामने हैं। जो परिवार ने अपने हस्बैंड को खो दिया देश के लिए, मदन लॉ खालिस्तानी बनने दिया शहीद होगी देश के लिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए उस जमाने के अंदर, 90,000 सैनिकों को, अधिकारियों को सेना के पाकिस्तान के यहाँ पर संडे करवा दिया, उस परिवार की एक महिला को जिस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, ये घर जाकर पूछताछ कर सकते थे, क्यों नहीं कर रहे हैं? ये इनकी फितरत ऐसी है, इनका डेमोक्रेसी विश्वास नहीं है। परेशान करने लग गए, हैरान करने लग गए, धमकाने लग गए, डराने लग गए, जेलों की धमकी देने लग गए। ये सब तांडव नृत्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, लेकिन अब की बार उनसे गलती हो गई और वो गलती भी इतनी बड़ी हो गई कि उसका खामियाजा उनको बहुत बड़ा होगा, जिसका अंदाजा उन्होंने कभी सपने में भी नहीं लगाया। उन्होंने ऐसे व्यक्तियों के ऊपर, उनकी गरेबान के ऊपर कीचड़ उछालने का कुप्रयास कर रहे हैं, बदनाम करने की कुचेष्टा कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, डराने और धमकाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब जो पाप ईडी कर रही, तो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को अब लोगों ने सीरियस लेना ही छोड़ दिया। सब जानते हैं ये पॉलिटिकल संस्थाएं हैं और ये केंद्र सरकार के इशारे पर नेताओं को तंग करने के लिए बनाई गई है। इन्हीं के दम पर महाराष्ट्र में सरकार बदल दी, इन्हीं के दम पर एमपी में सरकार बदल दी, राजस्थान में भी कोशिश हुई लेकिन कामयाब नहीं हुए।
अब ये तय बात है, पूरे देश के सामने संकट है, पूरा देश लड़ेगा तब बीजेपी को जवाब मिलेगा। क्यों? और सोनिया जी का तो ये कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। ईडी चाहे कुछ भी कर ले, सोनिया गांधी राहुल गांधी जी के खिलाफ जो मुद्दा लेकर आए उस मुद्दे में दम नहीं है। जिस प्रकार से देश के अंदर माहौल पैदा कर रही है, जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के नेताओं को परेशान करना चाहती है, उनको ध्यान भटकाना चाहती है, आज देश की जो हालात बने हुए हैं उस पे कोई चर्चा नहीं है। और ईडी के द्वारा हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को जिस प्रकार बुलाया जा रहा है, न एक पैसे का लेन देन है, न किसी थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज है और कोई ईडी का मामला बनता नहीं है। कोर्ट ने ऑलरेडी उसको स्टे किया हुआ है, उसके बावजूद लगातार मोदी सरकार सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, कांग्रेस के लोगों को परेशान कर रही है। कार्यकर्ता आते हैं उनको पहुंचने नहीं दिया जाता है, उनको रास्ते के अंदर रोका जाता है। राजस्थान के हजारों लोगों ने आज दिल्ली में आकर प्रदर्शन किया है और हम ये कहना चाहेंगे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना केंद्र सरकार बंद करे। जो संवैधानिक संस्थाएं थी आज उनका नाजायज उपयोग किया जा रहा है, देश की जनता को डराने का काम किया जा रहा है। आज बेरोजगारी, महंगाई जो मुख्य मुद्दे हैं देश के अंदर, उस पर कोई चर्चा नहीं है। जाति और धर्म के नाम पे हमें लड़ाया जा रहा है, बांटा जा रहा है। देश के अंदर जो अराजकता का माहौल केंद्र सरकार ने पैदा किया है, हम ये कहना चाहते हैं कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को अगर इसी प्रकार ये लोग तंग करेंगे तो हम सड़कों पर आ चुके हैं, संघर्ष करेंगे और जेलों के अंदर भी जाने के लिए हम तैयार रहेंगे। परेशान करने लग गए, हैरान करने लग गए, धमकाने लग गए, डराने लग गए, जेलों की धमकी देने लग गए। ये सब तांडव नृत्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र। और बड़ी बहस में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं मेहमानों का। सुरेश गर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। प्रतीक सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता हैं। योगेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। चर्चा की शुरुआत आज इसी को लेकर होनी है। और सबसे पहले, चूंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन सामने आया, और वो प्रदर्शन इसलिए कि सबको पता है जाहिर है कि ईडी ने सोनिया गांधी को बुलाया और उनसे पूछताछ की, उससे पहले राहुल गांधी से पूछताछ की गई, आज लगभग 3 घंटे के आसपास की पूछताछ सोनिया गांधी से भी की गई और उसको लेकर कांग्रेस सड़कों पर नजर आई। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस सड़कों पर नजर आई, उनके कार्यकर्ताओं का, उनके नेताओं का कहना था कि हमारे साथ दुरुपयोग किया जा रहा है ईडी का, और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है और बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही कि अगर कहीं कोई खौफ नहीं है, डर नहीं है, तो फिर किस बात का प्रदर्शन, किस बात का विरोध? जाकर सवालों का जवाब दीजिए और वापस आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले मैं कांग्रेस नेता हमारे साथ प्रतीक सिंह हैं। प्रतीक सिंह जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। कांग्रेस का देश भर में विरोध प्रदर्शन, सोनिया गांधी से सवाल पूछे गए, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, आखिर यह विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? जी, मैं दो लाइन्स के साथ में अपनी बात शुरू करूंगा कि लश्कर भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो आप ये देखें, जिस तरीके की ये ईडी का जो दुरुपयोग किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। जो केस नेशनल हेराल्ड का बनाया जा रहा है वो कोई केस बनता ही नहीं है। जो यंग इंडिया कंपनी है वो 25 एक्ट के तहत जो नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है, जिसका कोई शेयर ले ही नहीं सकता है, मतलब जिसका कोई प्रॉफिट ही नहीं बनता है, उसके ऊपर आप केस बना रहे हो, उसमें जवाब देने में क्या दिक्कत है? तो यही तो प्रतीक सिंह जी, यही तो हम समझना चाह रहे हैं। अगर नॉन प्रॉफिट कंपनी है तो उसमें जाकर बताने में क्या दिक्कत है कि नॉन प्रॉफिट कंपनी है? नहीं, हम मना कर रहे हैं। पहले राहुल गांधी जी को 50 घंटे की पूछताछ की, राहुल गांधी जी सड़कों पर, ये जो लोग नजर आ रहे हैं, आप ये बताएं, एक कानून होता है, ये कानून होता है कि अगर कोई बुजुर्ग महिला है, कोई 15 साल से नीचे का बच्चा है, तो उसको आप घर जाकर के उसे आप बयान ले सकते हैं। आप बार बार वहां बुलाने से कोई फायदा नहीं होगा। 2016-17 में पहले भी इस मामले में एक एफआईआर लग चुकी है, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। ईडी की क्रेडिबिलिटी सबको बताए, आज तक 1000 से ज्यादा केस में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है और उनकी कन्विक्टेड रेट 0.5% रही है। आप सोचिए, मतलब इतनी बुरी कन्विक्टेड रेट है हमारी जो एजेंसीज है उनकी, तो आप सोचो उनकी विश्वसनीयता क्या है। हम लोगों का क्वेश्चन ये नहीं है कि हम लोग वहां जाएंगे नहीं, हम बिल्कुल जाएंगे। हम इस देश का, देश के कानून का और संविधान का सम्मान करते हैं। प्रतीक सिंह, प्रतीक सिंह जी, यही तो बात है। अगर आप कानून का सम्मान कर रहे हैं, ईडी का सम्मान कर रहे हैं और वहां जा रहे हैं, तो इधर इतना लश्कर तैयार करने की जरूरत क्या है? क्योंकि उससे जाम की स्थिति पैदा होती है, उससे हालात खराब होते हैं।
नहीं कोई लश्कर हमने कोई लश्कर नहीं हमने बुलाया, हमने किसी को नहीं बुलाया। ये तो पूरे जो कांग्रेस जन है ये उनका फेम है, वो अपने आप आए। हमने कोई किसी को कोई बयानकारी नहीं किए, कोई किसी को आने के लिए दिल्ली में इन्वाइट नहीं किया, वो अपनी मर्जी से आए हैं। और ये स्वाभाविक है, ये हम लोगों को जो हमारा एक परिवार होता है हमको हमारे बड़े से प्रेम होता है। तो वो जो कांग्रेस जन है जो कांग्रेस के परिवार के लोग, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं अशोक गहलोत का बयान आपने सुना, उन्होंने कहा कि दुरुपयोग किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है एजेंसियों का। आपके मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल कह रहे हैं कि मिसयूज किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं आप बार बार? नहीं आप देख लीजिए ना, आप मेरे को, मैं आपको बताता हूँ, जब तक नारायण राणे जो महाराष्ट्र के नेता हैं वो जब तक कांग्रेस के अंदर और एनसीपी के अंदर थे तब तक तो क्रिएट सोमैया उनके खिलाफ जाकर के सबूत देकर के और केस दर्ज करा के आए थे, और जैसे ही नारायण राणे बीजेपी के अंदर आए उनके उनसे कोई पूछताछ ही नहीं कर रहे। तो विपक्ष के नेताओं से तो पूछताछ बदस्तूर जारी है, कोई केस नहीं बन रहा फिर भी पूछताछ कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ पूछताछ जो पक्ष के जो लोग हैं जो सरकार के लोग हैं उनसे भी कर लो आप। ठीक है, ठीक है, अब यही सवाल आपने उठाया, इस सवाल का जवाब हम सुरेश गर्ग जी से लेंगे। सुरेश गर्ग जी आपके पास मैं आना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं सोनिया गांधी राहुल गांधी से, उसको लेकर प्रतीक सिंह कह रहे हैं कि सवाल सत्ता पक्ष के लोगों से भी होने चाहिए और सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी होने चाहिए, लेकिन हमसे बदले की भावना के तहत ये सवाल पूछे जा रहे हैं, ये लगातार सारे मुख्यमंत्री सारे कांग्रेस के नेता सारे कार्यकर्ता कह रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए इधर जदी जी, मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है। अगर मान लो किसी मुद्दे पे उनको बुलाया जा रहा है तो तकलीफ क्यों है, जवाब दे दीजिए। अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो आप वहां पे ईडी के सामने बता दीजिए कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, किया है तो बता दीजिए। आप मुझे बताइए कि 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, करोड़ों रुपए की जमीन AGL लिमिटेड को दी थी अखबार चलाने के लिए, एक 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा बनाई गई कंपनी उन लोगों ने बनाई थी, उन लोगों की बिना सहमति के यंग इंडिया लिमिटेड को आप पूरी की पूरी कंपनी ट्रांसफर कर देते हो तो ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? 1 करोड़ रुपए एक हवाला कंपनी से आप लेते हो तो ये एक मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? मनी लॉन्ड्रिंग है, निश्चित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग है कि 1 करोड़ रुपए आप किसी डोटेक्स मर्केंटाइल कंपनी जो कि हवाला का काम करती है उससे आपने 1 करोड़ रुपए यंग इंडिया लिमिटेड में लिया, तो भैया वो हवाला का काम करती है यानी कि आपने हवाला का कारोबार किया है, तो ईडी वही तो पूछताछ कर रही है ना। ईडी जो सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी ठीक है, पूरे हिंदुस्तान सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी ठीक है, जो आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर प्रतीक सिंह ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस का नेता होता है तो उससे ईडी भी पूछताछ करती है, उससे बाकी केंद्रीय एजेंसियां भी पूछताछ करती हैं, लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी का तमगा पहन ले तो कोई पूछताछ नहीं होती, ये उनका आरोप, इसका जवाब भी दे दीजिए। हैदर जी, ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, संवैधानिक संस्था है, उसके ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भी पूछ सकती है और कांग्रेस के भी पूछता है, किसी भी जनता से वो अपने क्वेश्चन पूछ सकती है। पर मुझे ये बताइए कि पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेसियों को इकट्ठा, अगर जब आप ये कह रहे हो कि साहब हमने नहीं बुलाया तो सोनिया गांधी जी एक आह्वान कर देती है कि भैया जाओ वहीं पर रहिए, दिल्ली के अंदर आने की जरूरत नहीं है। क्यों दिल्ली के अंदर आपने इकट्ठे किए, क्यों इन्फोर्समेंट एजेंसी के सामने आपने भीड़ इकट्ठी की है, क्यों इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है? अगर प्रेशर नहीं बनाने, अगर जब आपने भ्रष्टाचार नहीं किया तो प्रेशर बनाने की क्या जरूरत है? क्यों आप भ्रष्टाचार, निश्चित रूप से कहीं कहीं भ्रष्टाचार होगा इसलिए इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। मैं हैदर अली जी कहना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जब गुजरात दंगा हुआ था उसमें SIT गठित हुई थी, SIT गठित होने पर मुख्यमंत्री मोदी जी को बुलाया गया था, मोदी जी लाव लश्कर लेकर नहीं गए, अकेले गए थे और अपने जो SIT के अंदर जो भी जवाब है वो जवाब दिया था। तो सोनिया गांधी जी को भी वही करना चाहिए था। क्यों आपने जनता को इकट्ठा किया, क्यों जनता को परेशान कर रहे हो, चक्का जाम कर रहे हो, ईडी के सामने प्रदर्शन कर रहे हो, ईडी को प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हो? अरे भाई आपने हिंदुस्तान को चूस लिया, भ्रष्टाचार में नस नस आपके ऊपर भ्रष्टाचार का बसा हुआ है, 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति आप हड़पना चाहते हो, आप जवाब दे दीजिए अगर आपने उसमें आपने कुछ भी नहीं किया हो तो। मुझे बताइए 1937 के अंदर कंपनी बनी है, 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने वो कंपनी बनाई है, तो क्या उनकी सहमति ली है आपने?
90 करोड़ रुपए कांग्रेस एक एक जो रजिस्ट्रार हो कंपनीज में जो लिस्टेड कंपनी है उसके अंदर आप 90 करोड़ रुपए का लोन कैसे दे सकते हो। एक कंपनी एक्ट के अंदर कोई प्रावधान नहीं है कि एक जो राजनीतिक पार्टी है वो लोन दे सकती है। राजनीतिक पार्टी ने आपका कैसे उसको एजीएल लिमिटेड को लोन दे दिया, और एजीएल लिमिटेड को लोन तो दे दिया जो दे दिया, एजीएल लिमिटेड यंग इंडिया लिमिटेड में ट्रांसफर हो गई। 5 लाख की कैपिटल वाली कंपनी को 100 करोड़ की कैपिटल वाली को ट्रांसफर कर देते हैं, क्या भ्रष्टाचार नहीं है? 1 करोड़ रुपए आपने अगर मान लो कोई हवाला कंपनी से लिया तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता क्या? 2019 के अंदर हाईकोर्ट खुद कह रहा है कि कहीं कहीं कोई इसके अंदर गलती है तो इसके अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है सुरेश गर्ग, सुरेश गर्ग अब रोकना चाहूंगा, अब आपको रोकना चाहूंगा। ठीक है आएंगे आपके पास। हमारे साथ योगेंद्र गुप्ता भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। योगेंद्र गुप्ता जी, जिस तरह से लगातार ईडी को लेकर अब कांग्रेस सवाल उठा रही है कि ये दुरुपयोग किया जा रहा है और बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है और लगातार इसका मिसयूज किया जा रहा है, कांग्रेस का कहना है, भारतीय जनता पार्टी लगातार अगर कोई सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कोई एजेंसी आपसे किसी चीज के बारे में जानना चाह रही है तो उसमें आपको जवाब देने में दिक्कत किया है, इसका मतलब आप भ्रष्टाचारी हैं, साफ तौर पर सुरेश गर्ग भी यहां कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो योगेंद्र गुप्ता जी, आप क्या देख रहे हैं? योगेंद्र गुप्ता जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। योगेंद्र गुप्ता जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप अनम्यूट कर लीजिए, उसके बाद आपकी आवाज हम तक पहुंच पाएगी। योगेंद्र जी आऊंगा आपके पास, प्रतीक सिंह के पास मैं आना चाहूंगा फिलहाल। प्रतीक सिंह, जिस तरह से लगातार आपने सुना सुरेश गर्ग साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर कोई सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो इसके लिए इतना लश्कर तैयार करने की जरूरत है, इतना हुजूम तैयार करने की क्या जरूरत है, सड़कों पर विरोध करने की क्या जरूरत है, ये ईडी पर दबाव बनाने की बात है। भैया 20/11/1937 को ये कंपनी बनी है, रईसारो कंपनी में जाके सर्च कर लीजिए, नेशनल हेरोल्ड एजीएल लिमिटेड है। नेशनल हेरोल्ड क्या है? वो तो अखबार का नाम है, नेशनल हेरोल्ड तो अखबार का नाम है, कंपनी तो एजीएल लिमिटेड है। 20/11/1937 को कंपनी बनी है, आपको पता ही नहीं है, आप क्या जवाब देना चाह रहे हो? जब मुझे ये बताइए कि कंपनी तो एजीएल लिमिटेड है, नेशनल हेराल्ड तो एक अखबार का नाम है। भैया 3 तरीके के अखबार चलते थे, उसमें अखबार का नाम है। आप 1937 के अंदर कंपनी बनी है, नवंबर 2037 के अंदर और उस अखबार का जो मुख्य एजेंडा था वो ये था कि जनजन के प्रति और जो आजादी की लहर है वो उसकी जो खबर है वो पहुंचाई जाए। 1942 के अंदर उसको अंग्रेजों ने भी बैन कर दिया था, तो अंग्रेजों के साथ तो ये लड़ रहे थे, उस टाइम पे अंग्रेजों के साथ में बैठे हुए थे, हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। अब आप बात करेंगे 2008 की, 2008 के अंदर जो घाटा बढ़ते 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 98 करोड़ रुपए घाटे पे पहुंच गया, बिल्कुल एक प्रोविजन है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लोन दे सकती है, और हमने 90 करोड़ रुपए का लोन अलग अलग टाइम पे दिया, एक साथ नहीं दिया उसको, अलग 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 टाइम पे वो सैलरी देने के लिए उनके जो एम्प्लॉयज है उनको दिया। अब उसके बाद में जो आप शेयर होल्डर की बात कर रहे हो, उन शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू, जैसे अगर मेरी आज कोई मैंने शेयर खरीद रखा है उसकी वैल्यू 1000 रुपए है, और हो सकता है कि बाद में उसकी -1000 रुपए हो जाए, उस शेयर की वैल्यू जो नेचर के केस में हो गई थी, तो अगर -1000 हो जाएगी ना तो मुझे प्रतीक सिंह, इन सबके बीच एक सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है, बार बार मैं सवाल मेरे मन में आ रहा है और ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर ईडी पर इस तरह से दबाव बनाने से, इस तरह से प्रदर्शन करने से, इस तरह से विरोध जताने से क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? पूछताछ खत्म हो जाएगी। सुरेश गर्ग जी प्रतीक सिंह आपको रोकना चाहेंगे। सुरेश गर्ग जी
अगर कोई बीमार है और कोई बुजुर्ग है तो क्या यह प्राविधान नहीं है कि वो घर पर जाकर उनसे पूछताछ कर लें? देखिए मैं इधर जी आपको बता दूं कि प्रावधान ये है कि बीमार है तो वो टाइम ले सकते हैं। सोनिया जी को जून के अंदर बुलाया था, जून के अंदर बुलाया, मुझे ये बताइए, नहीं तो आप मुझे ये बताइए कि आप मना कर देते सोनिया जी। प्रतीक जी मुझे इधर जी मुझे ये बताइए कि क्या सोनिया जी ने घर पे बुलाने के लिए आवेदन किया था? क्या सोनिया जी ने आवेदन किया था क्या घर पे बुलाने का? मुझे अरे कमाल है जब ईडी नोटिस देगी तो ईडी तो अपने ऑफिस में बुलाएगी। ईडी अगर नोटिस देगी तो अपने अपने ऑफिस में बुलाएगी। मुझे ये समझ में नहीं आता। ठीक है प्रतीक जी तकलीफ प्रतीक जी सुरेश जी आऊंगा आपके पास। प्रतीक जी सुरेश जी मैं आऊंगा आपके पास। योगेंद्र गुप्ता एक बहुत छोटा सा रिएक्शन उसके लिए, उसके बाद यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। योगेंद्र गुप्ता जी क्या आप देख पा रहे हैं? सुरेश गर्ग मैं आऊंगा आपके पास। योगेंद्र गुप्ता जी जल्दी, इस पूरी कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो पक्ष हैं। अगर आप बहुत संक्षेप में कहेंगे तो कांग्रेस का जो पूरा खेल है वो कुल मिलाकर के ये खेल है कि जो सचिन पायलट है और जो अशोक गहलोत जी हैं वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए सारा कुछ वहां पे खेल कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का ईडी अपने आप में एक हथियार है, उसको इस्तेमाल कर रही है। और आज की तारीख में बजाय इस पे आंदोलन करने के, वहां सड़कों पर उतरने के, जरूरत इस बात की थी कि जिस तरीके से जीएसटी खाने पीने की चीजों पर बढ़ाया गया है उस पर अगर आंदोलन होता तो ज्यादा अच्छा होता। कांग्रेस का ध्यान उस आंदोलन से भटका करके उन्हें सोनिया गांधी केंद्रित कर दिया है, इनको सड़क पर सोनिया गांधी जी के लिए उतार दिया है और आम जनता को ये उसके लिए आंदोलन नहीं कर पाए वहां से इनको भटका दिया है। बाकी डिटेल में आप करेंगे तो हम शायद ब्रेक के बाद बात करवाएंगे। बिल्कुल तो जिस तरह से लगातार अब सोनिया गांधी लश्कर लेकर निकल गई है तो इसका फायदा उठाना चाहती हैं सोनिया गांधी कहीं ना कहीं, और कांग्रेस इसका फायदा उठाना चाहती है, इस मुद्दे को भुनाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी इस पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया रख रही है। लेकिन दोनों तरफ से लगातार राजनीति जरूर इस मुद्दे पर हो रही है। अगर ईडी की कार्रवाई हो रही है तो इसमें ईडी के जवाब उनको देने चाहिए, मेरे ख्याल से राजनीति नहीं करनी चाहिए। और अगर ईडी की पूछताछ हो रही है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ईडी एक अलग एजेंसी है, उसे पूरी तरह से अपना सवाल पूछने का अधिकार है और वो किसी से भी सवाल पूछ सकती है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप सब लोग बने रहिए हमारे साथ, बड़ी बहस फिलहाल बरकरार रहे। ब्रेक के बाद बड़ी बहस में स्वागत है आपका। और जिस तरह से लगातार हमारे साथ खास पैनल बना हुआ है और जिक्र चल रहा है, क्योंकि लगातार सोनिया गांधी से ईडी के सवालों को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी था और सड़कों पर कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, तो सबसे पहले वापस मैं प्रतीक सिंह आपके पास आना चाहूंगा और फिर हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो जवाब देने के लिए जब बुलाया गया हो और इसके लिए आप तैयार भी हैं कि हम सवालों के जवाब देने खुद पहुंचेंगे, कार्यालय में पहुंचेंगे, तो ऐसे में सवालों के जवाबों से घबरा क्यों रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता? आखिर किस बात का डर है? नहीं, हमें कोई डर नहीं है और ना हम घबरा रहे हैं। मैं तो एक पॉइंट, एक एजेंडा ये पूछना चाह रहा था कि जो सिंगल पॉइंट एजेंडा है ईडी को किसी भी विपक्ष के नेता के पीछे लगाने का मोदी जी का, तो सामने आए और वो बोले कि हम तो ईडी, लेकिन अगर कहीं कोई गलत नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है? पूछ रहा हूँ कि ये कानून में मैं बात खत्म करूं पहले अपनी। दूसरा पॉइंट ये है कि 15 साल से नीचे के और कोई अगर बीमार है या बुजुर्ग है तो उनके घर पे जाके पूछताछ करने का कानूनी प्रावधान है। तो सुरेश गर्ग से जब हम वही तो पूछ रहे थे आपके सामने प्रतीक जी, हमने पूछा कि जिस तरह से अगर कोई बीमार है, बुजुर्ग है और वो नहीं पहुंच सकता तो इसके लिए कोई प्रार्थना पत्र, कोई आवेदन आपने ईडी के कार्यालय में दिया? उसका कोई प्रार्थना पत्र, कोई आवेदन की जरूरत नहीं है। ये ईडी खुद से जाती है और पूछताछ करती है। तीसरी बात मैं पूछना चाहूंगा कि 2014 के बाद जो बीजेपी के कितने नेताओं से पूछताछ की है, 2014 से पहले तो उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही थी, खुद किरीट शो में जाकर के कंप्लेंट कर रहे थे ईडी के अंदर। लेकिन कितने नेताओं से आज पूछताछ हुई है 2014 के बाद आज तक, एक बीजेपी नेता का मुझे आप नाम बता दीजिए। तो ठीक है सुरेश गर्ग जी 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से ईडी ने पूछताछ नहीं की,
बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है और सीधे कांग्रेस से ये कार्रवाई आप कांग्रेस पर कर रहे हैं? जवाब दे दीजिए जल्दी से। देखिए हैदर जैदी जी, कानून सबके लिए है। अभी अशोक गहलोत जी ने खुद ने बोला है कि कानून सबके लिए है। जब कानून सबके लिए है, आपके पास में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, अशोक गहलोत ये भी बोल रहे हैं कि क्या है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। अरे सुन लीजिए ना, तकलीफ किस बात की सुनिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। मैं हैदर जी, मैं एक चीज है, इन्होंने एक तो ये कहा कि साहब 15 साल से नीचे और एक बुजुर्ग महिला या जो भी चीज है, मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि क्या इन्होंने आवेदन किया था कि साहब घर पे इंक्वायरी। इन्होंने जानबूझ के बोला गया कि साहब मैं ऑफिस में आऊंगी। फिर दूसरा साहब, इस वजह से ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? ये कांग्रेस वाले पूरा विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि उनको वहां बुलाया गया। तो भैया राहुल गांधी जी को बुलाया था तब किस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे? जब राहुल गांधी जी को बुलाया था वो तो यंग थे ना, एक युवा 48 साल का युवा था, तब किस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे? तो इसलिए ये लोग एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर एक प्रेशर बनाना चाह रहे थे, एक संवैधानिक संस्था के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ये विजय कि कोई अगर भ्रष्टाचार नहीं किया तो सामने आ जाएगा। जब मुझे ये बताइए आप, मैं मुझे ये बताइए कि निश्चित रूप से भैया एक चीज बताइए तो आप जाइए ना कोर्ट, मुझे कोर्ट जाइए ना, कोर्ट जाइए। आपको अगर मान लो ऐसा लगता है, मुझे ये बताइए कि अगर आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भ्रष्टाचार किया तो आप जाइए कोर्ट, तो आरोप सिद्ध करिए ना, आरोप सिद्ध करिए ना, अरे आरोप सिद्ध करिए ना, मुझे ये बताइए आरोप सिद्ध करिए ना, आपको तकलीफ किस बात की है? अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया, अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया तो क्यों डर रहे हो ईडी? तो फिर इतना धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? फिर मुझे ये बताइए धरना प्रदर्शन, मुझे ये बताइए धरना प्रदर्शन किस बात? अरे करोड़ों रुपए खा गए जनता ने आपको इस वजह से नकार दिया, भ्रष्टाचार के अंदर करोड़ों रुपए खा गए जनता ने, इसीलिए नकार दिया। आज आप दो राज्यों के अंदर रह गए, वो 2023 के अंदर वो भी जा रहे हैं, आपके 2023 में वो भी जा रहे हैं। जनता के बीच में जाइए, जनता को बताइए आप लोगों की कमजोरी। योगेंद्र गुप्ता जी, ठीक है, जनता ने आप लोगों को नकार दिया है, और सुरेश गर्ग जी, जनता ने आपको नकार दिया है, जाइए उसमें बंधन कीजिए। सुरेश जी प्रतीक जी आपको रोकना चाहूंगा, योगेंद्र गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जिक्र हम कर रहे हैं लगातार, एक तरफ कहा जा रहा है बदले की कार्रवाई है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो डर किस बात का है और खौफ किस बात का है। इन दोनों ही चीजों के बीच में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर हैं और लगातार उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। आप क्या देखते हैं, आप क्या समझते हैं इस कार्रवाई से? क्योंकि जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है, कहा यह जा रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, उस इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। कोशिश कीजिए, विपक्षी दलों को चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल, ये एक सत्य है कि ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ये सत्तासीन जो पार्टी होती है, सरकार होती है, इसका हथियार होता है और भारतीय जनता पार्टी इसका कुशलता से इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है तो उनसे सवाल उठाना बड़ा लाजमी है कि जो महाराष्ट्र में संजय सरकार है उसके कुछ मंत्री और विधायकों पर ईडी की जांच भी है, उसके रडार पर है। आप देखिए और इसे कार्रवाई होगी, क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा, क्या उनसे पूछताछ की जाएगी? नहीं की जाएगी। तो अपनी सुविधा के अनुसार ईडी का इस्तेमाल सरकार कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका अगर ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसका मुकाबला कानूनी तरीके से ही करना पड़ेगा। आप सड़कों पर उतर करके विरोध करके आप सोनिया गांधी के आगे तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप कोई अच्छा मैसेज नहीं देते, क्योंकि ईडी प्रेशर में नहीं आएगी। और आप भारतीय जनता पार्टी के चाल को नहीं समझ रहे, भारतीय जनता पार्टी के लिए आज सबसे बड़ा जो विद्रोह या सबसे बड़ा विरोध का मुद्दा है वो है जीएसटी, जो आटे पर लगा दिया गया, जो पनीर पर लगा दिया गया, जो दही पर लगा दिया गया, जो दूध पर लगा दिया गया। इस मुद्दे पर विपक्ष सड़क पर आ सकता है और उसको नहीं, क्या आप देखिए कितना स्मार्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक सोनिया गांधी जी को नोटिस दे करके विपक्ष की सबसे बड़ी कांग्रेस को पूरी तरह डाइवर्ट कर दिया, उस कांग्रेस को जिसको जनता का समर्थन पाने के लिए इन मुद्दों पर और भारतीय जनता पर हत्या रही है। देखिए जनता के मुद्दों को नहीं, राज्य बचाने के लिए
पूरी तरह जिसके है और राजस्थान तो क्योंकि लहरों में चुनाव हुए थे तो खाली 21 विधायक देकर के और अशोक चौधरी को विरोध किया गया था। सचिन पायलट की पूरी मेहनत साथ वापस से सत्ता में आए लेकिन सोनिया गांधी जी की कृपा से बजाय सचिन पायलट के अशोक गहलोत के बने साढ़े सात लगातार हुए बजाय कि देश इस राजस्थान की जनता पर ध्यान दे उनके नाम राजस्थान से ज्यादा सोनिया गांधी जी के ऊपर है कि उनके अंदर होना चाहिए आपका सबसे विश्वास भरोसा जहां पे सचिन पायलट का सवाल है सचिन मुख्यमंत्री जाओ और इस तरीके से जानते हैं कि तो बिल्कुल बिल्कुल योगेंद्र जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं और लगातार प्रतीक जी जिस तरह से योगेंद्र जी कह रहे हैं लगातार कि मुद्दे और भी हैं उन मुद्दों को लेकर भी सड़कों पर आ सकते हैं लेकिन सिर्फ ईडी का मुद्दा लेकर सोनिया गांधी का मुद्दा लेकर सड़कों पर आना ये कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए बेहतर नहीं है और कांग्रेस के लिए भी बेहतर नहीं है। और आप ये भी देखिए ना आपको हेदर जैसी जरूरत नहीं होगी अशोक गहलोत को गुजरात का मुख्य पर्यवेक्षक बनाया गया है पायलट को हिमाचल का होना तो ये चाहिए था कि वहां रणनीति बनाने चाहिए ये सोनिया गांधी की में पेश करके भारतीय जनता पार्टी ने कितना स्मार्ट तरीके से इनको यहाँ उलझा दिया। अब इनको ये पता नहीं कि 6 महीने बाद हमें वहां पर चुनाव की क्या रणनीति बनानी है मन में क्या बनानी थी उसके बजाय पूरी रणनीति बना रहे हैं कि सोनिया गांधी को मीडिया में बुलाया गया उसके लिए हमें सड़कों पर कैसे उतरना है तो कोई स्मार्ट तरीका हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का। अगर देखिए कांग्रेस को या विपक्षी दलों को अगर ईडी से पार पाना है तो इस तरीके से नहीं पाया जा सकता आपको जनता में जाना होगा पेट करनी होगी चुनाव जीतने होंगे सत्ता में आना होगा और तो आप ईडी से पार पा सकते हैं अपने आगे नंबर तो बढ़ा सकते हैं लेकिन पार नहीं सकते वो तो तरीके से पार पाया जा सकता। बिल्कुल कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जनता का प्यार और स्नेह पाना जरूरी है नहीं तो जिस तरह से कार्यकर्ता सिर्फ ईडी की कार्रवाई पे एकत्रित हो रहे हैं तमाम मुद्दे देश के अंदर ऐसे हैं बेरोजगारी का मुद्दा और कई मुद्दे ये लोग उठाते हैं वो उन मुद्दों पर कभी सड़कों पर नजर नहीं आते लेकिन अब इस तरह की कार्रवाई पर जो कार्रवाई लगातार ईडी की तरफ से की जा रही है और अगर सवाल पूछे जा रहे हैं तो जाहिर है जवाब तो देने पड़ेंगे और अगर कहीं किस कोई संशय है तो उसका जवाब देने में क्या गुरेज है यही तो प्रतीक सवाल उठा रहा है। प्रतीक जी नहीं हमें कोई संशय नहीं है हमें तो अभी बात की जो स्टार्टिंग ही यही थी कि भाई लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार तुम्हारा है और तुम झूठ को लिख दो झूठ को सच लिख दो अखबार तुम्हारा है तो हम नेशनल हेराल्ड अखबार की तो बात है सर ये बिल्कुल तैयार है अखबार इनका नहीं अखबार तो उस वक्त आपका था तो आपको ये मैं क्या कह रहा हूँ नहीं अखबार से बात करनी नहीं है मीडिया आप देख लो क्या लिख रहे हैं और योगेंद्र जी की बात का मैं जवाब दूंगा कि जो जनता के मुद्दे हैं आप जीएसटी की बात करें महंगाई की बात करें हमने राष्ट्रव्यापी उसके लिए प्रदर्शन किए हैं ईडी को जो जीएसटी कितनी बार किए हैं जीएसटी के लिए हमने बहुत अभी सदन के अंदर 3 दिन से हम लगातार स्थगन प्रस्ताव दे रहे हैं कि आप इस बड़े हुए जीएसटी के ऊपर चर्चा करो लेकिन सरकार वो करना नहीं चाहती है। कल हमने गांधी मूर्ति के सामने जो हमारे कांग्रेस के सांसद थे उन्होंने भी प्रदर्शन किया है मैं तो फिर उस बात पे घूम के आऊंगा आप ईडी का दुरुपयोग अगर नहीं कर रहे हो तो मुझे 2014 के बाद में एक भी बीच भाजपा का या जो लेकिन प्रतीक सिंह सवाल का जवाब दीजिए। प्रतीक सिंह बार बार आप एक सवाल उठा रहे हैं कि 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है उसके बाद से कभी दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता पर कार्रवाई नहीं हुई है ना उनसे कोई सवाल पूछा गया ये आप कहना चाह रहे हैं आप पर ही कार्रवाई हो रही है विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हो रही है उसका दुरुपयोग ये कर रहे हैं लेकिन आप कोर्ट क्यों नहीं जाते इस मामले को लेकर सुरेश गर्ग भी कह रहे थे और मैं भी कह रहा हूं ये बात आप कोर्ट क्यों नहीं जाते ईडी के खिलाफ आपको 2014 से अभी तक का पूरा बताया था 2014 के अंदर जब इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी तो ईडी ने खुद से अपने एक एफआईआर स्टार्टिंग की उनके बाद में उसके बाद में 2016-17 के अंदर इसमें एफआईआर लग चुकी है एक बार ये केस दोबारा खोला गया है जब 2016-17 के अंदर कुछ नहीं मिला तो उस दोबारा क्यों खोला गया और जब उस टाइम कुछ था तो उस पर एफआईआर क्यों लगी थी ये केस कोई बनता नहीं है आर्टिकल 20 एक्ट 25 के अंदर में जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है प्रतीक जी जब ले सकता है ना मैं ले सकता हूँ ना कोई जरूर